यूपी के रायबरेली जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के रायबरेली जनपद स्थित सलोन विधानसभा क्षेत्र के गोपालीपुर गांव में एक साथ कई पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। लोकार्पण के उपरांत क्षेत्रीय विधायक दल बहादुर कोरी व राज्य मंत्री मोती सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सलोन की 40,000 जनता को गोल्डन कार्ड मुहैया करवा दिया गया है और 40,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का भी वितरण किया जा चुका है और बताया कि सलोन विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में 171 सामुदायिक शौचालय का निर्माण योगी और मोदी की सरकार के नेतृत्व में करवाया जा चुका है। आज योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बजट जनता के लिए हर तरह से हित में है। जब मीडिया कर्मियों ने किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर प्रियंका गांधी के बयान का जिक्र किया तो उसका खंडन करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी पहले अमेठी के सम्राट साइकिल की भूमि को जो हड़प लिया है पहले उसके बारे में सोचे। वही जब मीडिया कर्मियों ने पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के संबंध में यक्ष प्रश्न पूछे तो बिना जवाब दिए स्मृति ईरानी आगे की ओर बढ़ गए। इस मौके पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार, उप जिलाधिकारी सलोन दिव्या ओझा, क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह व तहसीलदार राम कुमार शुक्ला सहित जिले तथा तहसील के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच एक एक कर कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी को क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराया। रायबरेली से जिला ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला की खास रिपोर्ट। यहाँ पर जो निर्माण हुआ उसको जनता के सुपुर्द हमने किया। ये हमारा सौभाग्य रहा कि साल 2019 से लेकर अब तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 300 से ज्यादा सामुदायिक और पंचायत भवनों का निर्माण कर उन्हें जनता की सेवा में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसा कि आज मैंने कहा, 71,000 मात्र और मात्र सलोन विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मान निधि के हमारे यहाँ पर किसान भाई, किसान परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 6,000 की सालाना किश्त उपलब्ध कराई गई है। 40,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत की सेवा उपलब्ध कराई गई है। अमेठी में चौमुखी विकास में जो देश के प्रशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है, उसकी दृष्टि से मैंने आज सार्वजनिक उनको आभार व्यक्त किया है। आज उत्तर प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें भी अमेठी के मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल के लिए बजट का आवंटन कर योगी जी ने हम सबको कृतज्ञ किया।